भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज झांसी दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो सीधे जेल जाकर पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो उनके घर जाकर उनके परिजनों से भी मिलेंगे। कुख्यात अपराधी लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश करने के आरोप में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव पिछले 3 महीनों से जेल में बंद है। जेल में उनसे मिलने के लिए पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 22 दिसंबर को भी झांसी आए थे, लेकिन पुलिस लाइन के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से उनका वो दौरा था वो रद्द हो गया था। और आज अखिलेश यादव अपने निजी विमान से झांसी पहुंचेंगे। दोपहर 1:50 पर उनका ये मुलाकात का कार्यक्रम है। सेना की हवाई पट्टी पर उनका ये विमान उतरेगा, यहां से वो सीधे जेल जाएंगे। आधा घंटा जेल में रहकर पूर्व विधायक से मुलाकात भी कर सकते हैं। दोपहर 3:30 वो आरटीओ ऑफिस के पास दीप नारायण के घर जाकर उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। तो 22 दिसंबर को जो मुलाकात होने वाली थी ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40,000 से 50,000 कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आज झांसी के दौरे पर रहने वाले हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आज दीप नारायण यादव से मुलाकात करेंगे। पहले ये मुलाकात 22 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन उस वक्त पुलिस लाइन में हेलीपैड पर उनके विमान को उतरने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद आज का जो दिन है वो तय किया गया है। और आज दीप नारायण यादव से पहले झांसी से सीधा जाकर मुलाकात करेंगे। जेल में ये मुलाकात होगी दोनों के बीच, और उसके बाद उनके परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। कानपुर में दारोगा की पिटाई का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। केस की जांच करने पहुंचे दारोगा को महिला ने कमरे में जबरन बैठाया, महिला पर अंदर से कमरा बंद करने का आरोप लगा है। परिजनों ने दारोगा को कमरे से बाहर निकालकर जमकर पीटा है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने दारोगा को छुड़ाया है। आपको बता दें कि ककवन थाना क्षेत्र के विशधन गांव का ये पूरा मामला है। तो दारोगा की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। केस की जांच करने पहुंचे दारोगा को महिला ने कमरे में बैठाया और महिला पर अंदर से कमरा बंद करने का आरोप लगा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें भी अब वायरल हो रही है। परिजनों ने दारोगा को कमरे से बाहर निकालकर जमकर पीटा और आरोप ये लगाया जा रहा है कि किसी केस की जांच करने ये दारोगा मौके पर पहुंचा था, और जब कमरे के अंदर ये गया तो उस महिला ने अंदर से गेट बंद कर लिया, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे महिला के और इस दारोगा को बाहर निकालकर इसकी जमकर पिटाई कर दी गई। और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दारोगा को छुड़ाया गया। हालांकि जो ये वीडियो है ये काफी वायरल हो रहा है, और कुछ लोगों को भी आप इस वीडियो में बोलते हुए सुन सकते हैं, जो कि दारोगा पर आरोप लगा रहे हैं कि महिला के साथ ये मारपीट कर रहा है। ये देखो 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 ये कैसे देखो ये देखो दरोगा कैसे जिपटा ये लेडीज के देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए दरोगा ऐसे ये गले दबाए है ये गले देखो दबाए है देखिए आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है। और इसमें आप कुछ लोगों को बोलते हुए भी सुनाई दे रहे हैं जो कि इस वीडियो को बना रहे हैं। वो दारोगा पर आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से महिला के साथ ये मारपीट कर रहा है, कमरे में उसे बंद कर दिया गया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40,000 से 50,000 कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।